ले चलते हैं आपको चित्रकूट की अगली कुछ खास खबरों की ओर। जी हां, जहां पर एक बार यातायात माह नवंबर माह शुरू हो चुका है, जहां पर पुलिस अधिकारी और यातायात पुलिस आपको अलर्ट मोड में नजर आ रही है। जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का किया जा रहा है प्रयास। इसी कड़ी में आपको बता दें कि चित्रकूट में यातायात रैली को जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया है रवाना। जिलाधिकारी चित्रकूट अभिषेक आनंद एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अतुल शर्मा द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट चक्रपाणि त्रिपाठी सांसद प्रतिनिधि शक्ति प्रताप सिंह की उपस्थिति में पटेल तिराहा से यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर यातायात माह नवंबर 2022 का शुभारंभ किया गया। यातायात माह के शुभारंभ अवसर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि यातायात सड़क सुरक्षा माह के संबंध में चित्रकूट पुलिस द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा एवं पंपलेट्स के माध्यम से आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। हमारे द्वारा जो शासन द्वारा ये सड़क सुरक्षा माह चलाया गया, इसमें हमारे द्वारा पुलिस विभाग द्वारा अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाएंगे, स्कूलों में और कॉलेजों में जागरूकता अभियान और उनके कैंपेन्स लगाए जाएंगे। उसके अलावा जो इन्फोर्समेंट हम लोग करेंगे, जिसमें कि ड्रंक एंड ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग, इस सब पर हम लोग चालान करेंगे। इसके अलावा जो आज रैली निकाली गई, इसके द्वारा जागरूक किया जा रहा है। यहाँ पर जो शासन का वो है कि सड़क दुर्घटनाएँ कम हो और सड़क सुरक्षा बढ़े, उसके बारे में इसमें यातायात माह नवंबर में आयोजन किया जा रहा है जनपद में और पूरे प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें यातायात सुरक्षा और जो सड़क पर चलने वाले वाहन हैं और पैदल यात्री हैं, उनके सुरक्षा के संबंध में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। इसमें विभिन्न विभिन्न विभागों द्वारा इसकी कार्ययोजना बना के पुलिस विभाग द्वारा, परिवहन विभाग द्वारा, पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा, नगर पालिका द्वारा, सब द्वारा यातायात सुरक्षा बढ़ाने के लिए और दुर्घटनाएँ कम करने के लिए जो उनकी कार्ययोजना है उस हिसाब से कार्य किए जाएंगे। उसी की शुरुआत आज यहाँ पर मेरे द्वारा, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और सांसद जी के प्रतिनिधि द्वारा और यहाँ समाजसेवी पंकज अग्रवाल भी उपस्थित हैं, सभी लोगों के द्वारा इस रैली का शुभारंभ किया गया और पूरे माह इस प्रकार के आयोजन होंगे, जिससे यहाँ की जो लोकल जनता है उसमें जागरूकता बताई जा सके कि कैसे वो सुरक्षित रहें और दुर्घटनाओं में कैसे कम